हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन ग्लोरी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आर्यन ग्लोरी। आज हम पढ़ने हेलो दोस्तों मेरा नाम है आर्यन ग्लोरी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आर्यन ग्लोरी। आज हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, हमें 9 से 9289 को डिवाइड करना है। तो देखिए, यहाँ पे हमें छोटे नंबर से इतने बड़े नंबर को डिवाइड करना है, और ऐसे डिवीजन में छोटे बच्चे काफी डर जाते हैं। लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन का हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं कि इसको हम कैसे बहुत ही आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम इस एक अंक को देखेंगे, इस एक अंक को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक अंक है तो यहाँ पर एक ही अंक को देखेंगे। फिर हम ये चेक करेंगे कि क्या इस अंक में इसका भाग जा रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल जा रहा है। ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 9 1 9 9 1 9 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9। अब क्या करेंगे हम, अब 9 और यहाँ पे 9 आ गया, अब इनको हम माइनस कर देंगे। तो 9 में से 9 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। आप देखिए वीडियो को दोस्तों स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, और ना ही छोड़कर जाइएगा, वरना आपको इतना बड़ा डिवाइड करना समझ ही नहीं आएगा कि कैसे किया जाता है, डरते ही रह जाएंगे। अब क्या करेंगे, अगली जगह को उतारेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको उतारेंगे तो ये ऐसे हो गया। अब चेक करेंगे क्या इसमें इसका भाग जा रहा है। तो देखिए, 9 से हमें 2 को भाग देना है, तो अब हम चेक करेंगे कि 9 से 2 में भाग जाता है। जी बिल्कुल नहीं जाता है, ये तो छोटा है ना, तो छोटा है तो कैसे भाग जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि अब हमें बोलना है कि भाई हमारा एक और दोस्त वहां पर बैठा हुआ है, उसको भी भेज दो, इस तरीके से उसको भी भेज दो। लेकिन नहीं, यहाँ पे इनका जो ऑनर है, इन नंबर का जो मालिक है, वो कहता है कि नहीं भैया, मैं तुम्हें ऐसे नंबर नहीं दूंगा, पहले तुम्हें अपने जवाब में एक 0 लगाना पड़ेगा। तो देखिए, हम अपने आंसर में एक 0 लगा देंगे। जी हाँ, अब हमने मालिक से बोला, देखो भैया मैंने अपने आंसर में 0 लगा दिया, तो अब वो हमें ये डिजिट दे देगा, कहे ले जाओ भाई। तो इस तरीके से ये हमें मिल जाता है। तो 28 आ गया। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 3 बार। 9 3 27, 4 बार लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 9 4 36 हो जाएगा, जो कि इससे बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से हम 3 बार ले जाएंगे, तो आ गया 27, और इधर 8 में से 7 जाएंगे, 1, 2 में से 2 जाएगा, कुछ भी नहीं। अब आगे इस 9 को हम ऐसे उतार लेंगे, क्योंकि एक अंक को तो दोस्तों उतर ही जाता है। तो 19 आ गया। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार। 3 बार ले जाएंगे तो 27 आ जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 बार लेंगे, 18, क्योंकि दोस्तों संख्या हमेशा छोटी होनी चाहिए या फिर उसके बराबर होनी चाहिए। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमने इन सबको माइनस किया है, इसे माइनस करेंगे। 9 में से 8 गया 1, 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये जो 1 है दोस्तों आपका, ये क्या है, ये आपका शेषफल है, ये आपका शेषफल मतलब कि रिमाइंडर, क्योंकि एक यहाँ पर नीचे बच गया। अब यहाँ पर ये जो हमारा आया 1032, ये हमारा क्या है, आंसर है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, आई होप आपको इतना बड़ा भाग भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली इससे भी अच्छी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।